देख सकते हैं। तो भाई लोग देखिए, मैगी के साथ साथ स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सेकंड डे इन ले और आप देख सकते हैं सारी गाड़ियां यहां पार्क्ड हैं। हम लोग जहां पे स्टे किए हैं दूर दूर तक हैं, और मार्केट में जो भी जा रहा है हर जगह हमारी गाड़ी दिख रही है। तो आज तो हम रेस्ट किए, बाकी लोगों ने लोकल साइट सीइंग किया है। तो कल निकलेंगे हम लोग यहाँ से नुब्रा वैली की ओर वाया खारदुंगला, दो दिन का स्टे रहेगा। ये थोड़ा सिटी से हम लोग बाहर रुके थे, यहाँ इंडस वैली व्यू है बाजू में, वहीं पे रुके हैं। इधर सामने जो है इंडस वैली रिवर जो है वो फ्लो करती है, देख सकते हैं। इंडस वैली बोलते हैं इंडस रिवर, तो उसके व्यू में आप बाजू का भी देख सकते हैं। तो ये आज तक का अपडेट है। दो गाड़ियां सर को पता है कि ब्रेक डाउन हो गई, टाटा सफारी एंड हैरियर, उसको टो किया जा रहा है। आज ये गाड़ी टो हो चुकी है, टाटा ने करी है। देखते हैं उसमें कितना टाइम लगता है मनाली में बनने। कुल्लू का सर्विस सेंटर जाएगा तो अपडेट करता रहूँगा मैं आपको। हाँ जी, जैसे आपने बताया, देखिए इवनिंग हो चुका है, कुलदीप भाई एक्सप्लोर करके आ चुके हैं ले, और ये देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ बल्क में लगी हुई है यहाँ पे। तो हमें कॉल आ रहा था अपने पार्टिसिपेंट्स का, जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारी गाड़ियाँ दिख रही है। तो हो रहा था क्या सर? बोला हर से, तो मैं बोला 6-7 साइट सीइंग है यहाँ का मेजर, हमारी गाड़ियाँ 20-21 तो एवरेज 3-4 तो दिखना ही है। Hey, good morning everyone. This is another day in Leh and we are leaving from Leh and we are heading towards Nubra Valley. तो आज मैं फिर से जो है ठक्कर साहब की XUV700 में बैठा हुआ हूँ, एंड अभी हम लोग बढ़ रहे हैं खारदुंगला की ओर, जो टर्निंग सब होता है। नीचे वो सिटी दिख रहा है, पूरा का पूरा ले सिटी है जो बाहर निकल चुका है, और सामने अगर दिख रहा होगा तो शांति स्तूप है टॉप में जो दिख रहे हैं। और आगे बढ़ रहे हैं खारदुंगला के, मौसम क्लियर है। लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा भयंकर स्नो ले पहले पैलेस में, मिट्टी से जो दिख रहा है ऊपर ले पैलेस है, लास्ट ईयर याद होगा हम लोग यहीं थे। यहाँ से आगे बढ़े तो जो भयंकर स्नोफॉल हुई थी खारदुंगला पे। आज मौसम साफ लग रहा है, ऊपर बिल्कुल नहीं है, अभी डस्ट जैसा दिखता वाइट, तो उसके मतलब स्नोफॉल हो रही है। बट आपको पता है कि कभी भी हो सकता है क्लाइमेट चेंज खारदुंगला पे। ये जो लास्ट पेट्रोल पंप होता है HP, अगर आपने कभी फ्यूलिंग नहीं कराया है लेह में, अगर आपके पास कम है तो आप लेह में मत भटके, सिटी के अंदर टाउन के अंदर आप बेटर होगा यहाँ करके। ऑन द वे खारदुंगला आपको बढ़िया मिल जाता है न्यू पेट्रोल पंप है HP का, यहाँ रिफिलिंग करा सकते हैं। सामने देखिए तेलंगाना स्टेट की जा रही है हैरियर, हालांकि हमारी हैरियर जवाब दे चुकी है, ये भाई सब पहुँच गया यहाँ तक। तो आगे बढ़ रहे हैं खारदुंगला, आपको आगे चलते हैं फिर वहाँ मिलाते हैं। बाकी गाड़ियाँ हमारे पीछे हैं, हम लीडिंग कार में आ जाएं तो ठक्कर साहब लीड कर रहे हैं, इसलिए आगे कोई नहीं दिख रहा हमारी गाड़ी। कुछ देर बाद आपको दिखाते हैं। ओवर एंड आउट, नीचे हमारी गाड़ी आ रही है, सटासटा खटाखट खटाखट आ रही है। जिस तरह से गरीबी हट सकता है आने वाले समय में, बिल्कुल उसी हिसाब से is approaching towards Khardungla. Ab it will take some time more, but you can see there is a peak, that is Khardungla top. Aap beauty to enjoy kar sakte hain pura valley ka, aur temperature abhi hai 4 degree. Do turn niche jo do kya usko bolte hain hairpin bends ke niche 8 degree tha, aur har hairpin ke baad 2 degree girta ja raha hai. I'm pretty sure jab tak log pahunchega negative ja chuka hoga. अपडेट करता रहूँगा। आपको याद है खारदुंगला क्लाइमेट पीछे ख़राब हुई है, स्नोफॉल आप देख सकते हैं दूर में हो रही है लेक साइड, बट इधर हमें मौसम साफ दिख रहा है, तो फुल हम आसानी से क्रॉस कर पाएंगे। ऑल ऑल गाइस, तो वी हैव रीच खारदुंगला पास। कंजेशन है काफ़ी यहाँ पे, काफ़ी ट्रैफिक है, बिकॉज पता है सब लोग आते हैं यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए, देखने के लिए। सो वेलकम टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आगे रहेगा उसका जो बोर्ड है, मतलब पास पहुँच चुके हैं हम लोग, बढ़े हैं थोड़ा सा, बड़े लोग ट्रैफिक क्रिएट किया हुआ है, तो आगे चल के दिखाता हूँ मैं तो आपका। प्रूफ अंदर से भी ले सकता हूँ सर। तो गाइस, वी आर एट द खारदुंगला टॉप एंड ठक्कर साहब इज ऑल्सो एट खारदुंगला टॉप। मेरे पास वीडियो में प्रूफ है, क्योंकि ट्रैफिक जितना हमको लग रहा है वीडियो वाला ही प्रूफ रखना पड़ेगा। देखिए खारदुंगला पे है, ये वही जगह जहाँ लास्ट ईयर हम लोग स्टक हुए थे, या जिन्हें ब्लॉग देखा होगा, इसी जगह पे स्नोफॉल स्टार्ट हुई थी। बहुत टाइम 4-5 घंटे लग गए थे निकलने में, पूरा स्नोफाइट है, अब बाहर निकलने मतलब है नहीं। हमारा दोस्त है विक्की, जो कि आज हमारे स्कूल में जो ले से ज्वाइन किया है, उसको इसका प्रूफ हम दे। देखिए खारदुंगला टॉप है, दिख रहा है आपको टिक्की टावर, और यहाँ बैठा ही हुआ है, तो पिक्चर नहीं ले पाए इसको निकाल के, चलने में दिक्कत हो रही, मैं भी नहीं निकल रहा हूँ, सांस फूल रहा है, बट वीडियो में हम प्रूफ रख रहे हैं कि हम लोग यहाँ जो है सबूत मिल चुका है। सो दिस इज नुब्रा वैली, वी आर जस्ट क्रॉस खारदुंगला, लुक एट द व्यू, कम्प्लीटली स्नो फाइट, दिस इज माय व्हीकल। देख कितना स्नो है, और ये शानदार व्यू, शानदार नज़ारा। तो गाइस देखिए, हम लोग खारदुंगला क्रॉस कर चुके हैं, और यहाँ जो नीचे रहता है पुल्लू या कुछ तो बोलते हैं, वहाँ हम लोग रुके हुए हैं, साउथ पुल्लू या समथिंग बोलते हैं जगह को। एक मात्र पिच स्टॉप है जो बड़ा आता है मेजर, यहाँ पे सारे शॉप्स वगैरह हमने खाने लोग खाना वो खा रहे हैं, और यहाँ बाजू में एक रिवर बहती है, तो यहाँ अक्सर मैं आता हूँ जब भी यहाँ आता हूँ, एंड मैं कुछ थोड़ा समय स्पेंड करता हूँ यहाँ पर, अपने वक्त गुजारता हूँ। तो आज फिर से नहीं पे हूँ, थोड़ा समय स्पेंड कर रहे हैं। तो भाई लोग देखिए, मैगी के साथ साथ स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है,
और ये भाई लगता है ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मौसम खराब हुआ ऊपर एज एक्सपेक्टेड, और स्नो देखिए कितना आगे हिट कर रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ देखिए ब्लैक जान, देखिए मेरे इस पे आ रहा है स्नो। यहाँ देखिए स्नो गिर रहा है, ये मैगी को स्नो ठंडा कर रहा है, और हैवी होता है स्नोफॉल। तो देखिए भाई लोग स्नोफॉल हो रही है जैसा हमने बताया, और क्लाइमेट पूरा खराब हो गया, स्नोफॉल स्टार्टेड। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं। ऑल आर गाइस, तो देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं नुब्रा वैली। यहाँ पे एटीबी बाइक राइडिंग होती है, यहाँ पे कुछ खाने के ऑप्शंस भी हैं। हमने लेफ्ट कट किया वहाँ से, विच गोज टू अस हुंडर। हुंडर इधर है, यहाँ देख सकते हैं पूरी कॉन्वाई रुकी हुई हमारी। ये ट्रक वाला भाई साहब कहीं तो जा रहा है, तो यहाँ पूरी कॉन्वाई रुकी हुई हमारी। और ये हुंडर हो गया, आप देख सकते हैं स्टॉर्म है, कुछ तो आ रखा है उधर क्लाउड जैसे, पूरा का पूरा अभी क्लियर था, अभी पूरा घना घनघोर हो चुका है। तो आगे बढ़ेंगे, फिर आगे दिखाते हैं डिस्कस मोनेस्ट्री जाएंगे, देन सैंड ड्यून्स जाएंगे जहाँ पे डबल हम्प कैमल राइड होती है। तो ऑल गुड, बाकी सब भाई लोग हैं यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, फिर मिलते हैं। तो देखिए सैंड ड्यून्स क्रॉस कर रहे हैं, तो नुब्रा में यहाँ सब मिलता है, बर्फ मिलेगा, स्नोफॉल मिलेगा, और साथ में सैंड ड्यून्स भी मिलेंगे। तो आपको जो मिक्स एक्सपीरियंस मिलेगा पहाड़ों का, राजस्थान का, एवरीथिंग इज यहाँ। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं हुंडर विलेज थोड़ी देर में, डिस्कस मोनेस्ट्री हो गया, फिर हम लोग अपने कैंप साइट पर चेक इन करेंगे। कैंप साइट का नाम है जूले वर्ल्ड कैंप, जहाँ हर साल हम लोग रुकते हैं। तो आगे करेक्टर दिखाते हैं, कुछ दिखाने लायक और रहेगा तो, नहीं तो कल चलेंगे पाकिस्तान बॉर्डर की और दो चार गलियां दिया जाएगा उधर चल के, वो भी दिखाएंगे आपको डिटेल में। तब तक स्टे ट्यून्ड, वी आर सैंड ड्यून्स गाइस, देख सकते हैं विच इज हुंडर नुब्रा वैली। हमारा स्टे ही पास में है, जो दिख रहा है ग्रीन वाला, यहाँ से अराउंड 2-2.5 किलोमीटर, नॉट मोर देन दैट। तो थोड़ा सा यहाँ है, कुछ लोग एक्सप्लोर करने में, चलो करा लेते हैं। देखिए जंप कर रही है मैडम जी, अरे मेरे बच्चे यहां आ जाइए यार, रील्स बनाया जा रहा है अपने अपने हिसाब। ला 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 ला